हाय फ्रेंड्स, एनबीटी लाइफ में मैं तनप्रीत आप सभी का स्वागत करती हूँ। क्योंकि हम एक्सरसाइजेस की बात करते हैं, तो आज जो एक्सरसाइज है वो आपकी आईसाइट को लेकर के है। तो हम कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस करेंगे जिससे आप ये खुद ब खुद घर में पहचान पाएंगे कि आपकी आईसाइट वीक तो नहीं हो रही। अगर आपको इन एक्सरसाइजेस के बाद भी ऐसा लगता है कि आपकी आईसाइट में वीकनेस आ रही है, तब आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं। तो क्या है वो एक्सरसाइज, चलिए शुरू करते हैं। तो पहली एक्सरसाइज है, उसमें हमें क्या करना है, आपने एक डांस स्टेप देखा होगा ये वाला, तो यही हमारी एक्सरसाइज है कि आपको अपने राइट हैंड को लेना है और राइट आंख को यूं बंद करना है और अपना लेफ्ट हैंड जो है वो इस तरीके से सामने रखना है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड है वो स्ट्रेट हो, ऐसा नहीं कि वो ऊपर नीचे हो या इस तरीके से एक हाथ ऊपर और एक हाथ नीचे। इस हाथ से, राइट हैंड से आपकी आंख भी ढकी हो और लेफ्ट हैंड उसी सेम पोजीशन में हो, ताकि आपको लेफ्ट हैंड से लेफ्ट आई से आपका लेफ्ट हैंड दिख सके। फिर आपको इंटरचेंज करना है कुछ इस तरीके से और आपको ऐसा दोहराना है और आपको पीक नहीं करना है। ये नहीं करना है कि आप अपनी राइट आंख से जो है वो लेफ्ट हैंड को देखने की कोशिश करें। तो आपको ऐसे करके दोहराना है, कम से कम आप एक मिनट कीजिए। एक मिनट बहुत कोई बड़ी बात नहीं होती, एक मिनट कीजिए और आपको समझ में आ जाएगा कि आपका जो ब्रेन है वो अचानक एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा कि ओके, हम आईसाइट टेस्ट कर रहे हैं, तो वो इस तरीके से ब्रेन एक्टिवेट हो जाएगा। अब जो दूसरी एक्सरसाइज है उसमें हमें क्या करना है, उसमें भी सेम यही करना है कि आपको एक हाथ से अपनी एक आई को छुपाना है और आप कोशिश कीजिए कि जो लेफ्ट आंख है उससे आप रीड करें। अगर आपको रीड करने में ब्लरीनेस आ रही है, सपोज़ मैं अगर ऐसे रखती हूँ और मेरे सामने कुछ ये है पढ़ने के लिए और मैं अगर देख रही हूँ और मुझे ब्लरीनेस आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है और मुझे यूँ करना पड़ रहा है, मतलब आपकी आईसाइट जो है वो वीक होना शुरू हो चुकी है और आपको डॉक्टर से टेस्ट कराने की ज़रूरत है या फिर आपको चश्मे की ज़रूरत है। सेम आप रिपीट कीजिए इस आँख के साथ में और रीड करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको यहाँ पर दिमाग पर जोर आ रहा है, माथे पर एक स्ट्रेस वाला फीलिंग आ रही है, यानी कि आपको आई डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं तीसरी एक्सरसाइज की। इसमें आपको क्या करना है, अब आपको फोकस करना है, इस एक फिंगर को लेना है और आपको दोनों आँखों से सिर्फ इसके टिप को फोकस करना है और इस फोकस में आप बिल्कुल पलकें नहीं झपकाएंगे। आपको पलकें नहीं झपकाना है, आप कोशिश कीजिए कि 30 से 45 सेकेंड आप बिना पलकें झपकाएं बस ऐसे अपने फिंगर को देखते रहें। हो सकता है आपको कुछ सेकंड्स के बाद आंसू आने लगे, क्योंकि हमारी पलकें जो होती है वो ऑटोमेटिक झपकती है, हमें झपकाना नहीं पड़ता, लेकिन ना झपकाने के लिए आपको एफर्ट डालना पड़ेगा। तो आप कोशिश कीजिए कि इस तरीके से आप एक मिनट तक कर पाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी आईसाइट भी इम्प्रूव होगी, साथ ही आपका फोकस और कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से मैंने तीन बेसिक एक्सरसाइज बताई है जो हमारी आईसाइट को इम्प्रूव करने में मदद करेगी। आईसाइट एक ऐसी चीज़ है जो हमारी सर से लेकर के पैर तक जुड़ी हुई है। जैसे कि आईसाइट अगर आपकी वीक होगी तो आपको प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि कई लोगों को चश्मे से प्रॉब्लम होने लगती है, सर दर्द होता है। इसीलिए अपनी आईसाइट को आपको कैसे हेल्दी रखना है, डेफिनेटली डाइट तो आपको लेनी ही है, लेकिन अगर आप कुछ बेसिक एक्सरसाइजेज आईसाइट के लिए करेंगे तो वो भी आपके लिए हेल्दी साबित होगा। तो ये तीन एक्सरसाइजेज आप कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप अपनी आईसाइट को हेल्दी रखने के लिए क्या करते हैं। साथ ही एनबीटी लाइफ को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ना भूलें।